हमेशा से माना जाता है कि समुद्र में ऐसे लाखों राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में इंसान पता नहीं लगा पाया और शायद ही कभी लगा पाएगा। ये आंखों को शांति देने वाला नीला समुद्र अपने अंदर ऐसे कई रहस्य छुपाए हुए हैं जो इंसान की सोच से भी परे हैं। महासागर से जुड़ा हुआ एक ऐसा ही रहस्यमय एरिया है जिसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान का त्रिकोण भी कहा जाता है, यह अटलांटिक ओशन में स्थित वो इलाका है जो करीब 5 लाख स्क्वायर मील में फैला हुआ है। मायामी, बरमूडा और पोर्टो रिको के बीच स्थित इस एरिया से जुड़ी हुई कई बातें प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र के इस इलाके से जो शिप जाते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। और तो और, इस इलाके के ऊपर से गुजरने वाले एरोप्लेन्स का भी यही हश्र होता है। साल 1492 में पहली बार इस एरिया के बारे में पता चला जब क्रिस्टोफर कोलंबस समुद्री रास्ते से इस इलाके के बीच से गुजर रहे थे। कोलंबस ने बताया कि जैसे ही वो इस इलाके में पहुंचे, कुछ अजीब इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए। उनके कंपास अचानक गोल गोल घूमने लगे और वो डायरेक्शन भटकने लगे। इसके अलावा उन्होंने आसमान में एक अजीब व रहस्यमय रोशनी देखी जो बीच बीच में गायब हो जाती थी। साल 1909 में जोशुआ स्लोकम, जो अकेले ही समुद्री रास्ते से पूरे विश्व के भ्रमण के लिए प्रसिद्ध थे, वो अचानक ही बरमूडा ट्रायंगल के बीच से सेलिंग करते वक्त रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और उनका आज तक कुछ पता नहीं चला। इस ट्रायंगल के बारे में लोगों को तब विस्तार में पता चला जब मार्च 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स, जो 542 फुट लंबा और 10,000 टन वजनी यूएस नेवी का शिप था, वो अचानक ही गायब हो गया। उस शिप पर करीब 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें से कई यूएस नेवी के जवान भी थे। इतने सारे लोगों के अचानक गायब हो जाने से सभी लोग हैरत में थे। हैरानी इस बात की भी थी, यूएसएस साइक्लोप्स ने कोई डिस्ट्रेस सिग्नल यानी इमरजेंसी सिग्नल नहीं भेजा था, जबकि उसमें ये सारी सुविधा मौजूद थी। इसी बात से लोगों को ये भी लगता है कि शायद उन्हें किसी खतरे की भनक तक नहीं थी, वो बस अचानक ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। इसके बाद 1941 में यूएसएस साइक्लोप्स के दो सिस्टर शिप्स भी इसी रूट से गुजरते वक्त गायब हो गए। उनको ढूंढने की काफी कोशिश की गई पर उनका कोई सुराग नहीं मिला और ना ही इतने भारी भरकम शिप्स का कोई मलबा मिला, जो अपने आप में ही बहुत अजीब बात थी। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि इतने बड़े नेवी शिप्स कहां गायब हो गए। तब यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा था कि उन शिप्स का क्या हुआ वो केवल भगवान और समुद्र ही जानता है। इन घटनाओं के बाद से ही सैकड़ों शिप्स इसी ट्रायंगल के बीच से गायब होना शुरू हो गए। फिर दिसंबर 1945 में यूएस नेवी के 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट, जिस पर 14 सैनिक सवार थे, वो भी इसी इलाके के ऊपर से फ्लाइंग प्रैक्टिस करते वक्त गायब हो गए। जब उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू प्लेन भेजा गया तो वो भी इसी प्रकार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। यूएस नेवी ने करीब 5 हफ्तों तक उन जवानों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी। अंत में यूएस नेवी ने सर्च ऑपरेशन रोक दिया और उनकी फाइनल रिपोर्ट में लिखा था कि ऐसा लग रहा है कि मानो वो सभी एयरक्राफ्ट मार्स चले गए हों। इसी प्रकार एयरक्राफ्ट और शिप्स के गायब होने का सिलसिला लगातार चलता रहा और इसका क्या कारण है, इससे जुड़ी हुई कई थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल एक पोर्टल है जहां से गुजरने पर शिप्स और एयरक्राफ्ट किसी दूसरी डायमेंशन या किसी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कि वो शिप्स और एयरक्राफ्ट इस दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में एलियंस आते हैं जो इंसानों को अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे एलियंस का बेस है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस इलाके में कोई डेविल यानी शैतान रहता है
जो यहां से गुजरने वाले लोगों को गायब कर देता है। एक और थ्योरी के मुताबिक इस ट्रायंगल के नीचे अटलांटिस शहर बसता है और वो क्रिस्टल एनर्जीज का इस्तेमाल करके शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को डुबा देता है ताकि उस शहर को ऊर्जा मिल सके। हाल ही में एक साइंटिस्ट ने बाकी सभी थ्योरीज को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा लिया है। उनके मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में शिप्स और एयरक्राफ्ट्स का गायब होना कोई अजीब बात नहीं है। दुनिया के और इलाकों में भी कई शिप्स यूं ही गायब होते रहते हैं। उन्होंने इन हादसों के पीछे शिप्स के कैप्टन्स और एयरक्राफ्ट्स के पायलट्स को जिम्मेदार बनाते हुए कहा कि ये हादसे महज इंसानी गलती का नतीजा हैं। इससे पहले भी कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था कि समुद्र से उठने वाली मीथेन गैस बबल्स के कारण एयरक्राफ्ट्स क्रैश होते हैं और उनका ये भी कहना था कि इस एरिया में कभी कभी अचानक ही 100 फुट ऊंची लहरें उठती हैं जो एयरक्राफ्ट्स और शिप को निगल लेती हैं। ये बात तो एकदम साफ है कि इस मामले में आम लोगों और वैज्ञानिकों के ओपिनियंस बिल्कुल उलट हैं। जहां आम लोग एलियंस और डेविल जैसी शक्तियों को इन सब का कारण मानते हैं, वहीं साइंटिस्ट नेचुरल फिनोमिना को इसका कारण बताते हैं। असलियत क्या है ये तो कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों द्वारा इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लेने के दावे में कितनी सच्चाई है ये चर्चा का विषय है और लोगों द्वारा एलियंस, डेविल, अटलांटिस जैसी थ्योरीज को पूरी तरह गलत कहना भी उचित नहीं होगा। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी सबसे सही है? तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।